आप जानते हैं हमारे देश में राशन घोटाला कैसे होता है? सरकार से 1000 किलो चावल राशन वाले के पास आता है, उसी रात 800 किलो चुपके से बनिए की दुकान पर पहुंच जाता है और राशन के लिए 200 किलो ही बचता है। अगली सुबह दुकान खुलती है और राशन वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, सरकार एक नंबर की चोर है, 1000 बोल के 200 किलो देती है। और फिर बनिया घोषणा करता है कि मोहल्ले वालों की तकलीफ देखकर वो चावल आधे दाम में बेचेगा। ये कहानी केजरीवाल को पता थी और दिल्ली में ऑक्सीजन के साथ केजरीवाल ने यही किया है। तेल लगा के डाबर का पहन की टोपी नायक की झड़ी लगा दो लायक की। हेलो और नमस्कार मित्रों, एक महीने से आप सुन रहे थे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, मोदी जी ऑक्सीजन दो, मोदी जी ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे, मैं हाथ जोड़ता हूं ऑक्सीजन दे दो। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन के प्रयोग पर ऑडिट यानी जांच होनी चाहिए, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में तो ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं। और वो जांच से क्यों डर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके दो करीबी साथी ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। अब ध्यान भटकाने के लिए सर जी कह रहे हैं दिल्ली में ऑक्सीजन तो है, वैक्सीन की कमी है, मोदी जी वैक्सीन दे दो, मिलोड वैक्सीन दिलवा दो। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक लेख लिखा है जिसमें बताया गया है कि वो कौन से 5 काम हैं जो दिल्ली सरकार ने गलत किए हैं जिसके कारण दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट आया है। लेकिन उन 5 कारणों को जानने से पहले आइए मिलते हैं उन 2 लोगों से जिन्होंने दिल्ली में कर डाला ऑक्सीजन घोटाला। पहला नाम है केजरीवाल के विधायक और मंत्री इमरान हुसैन का। इमरान हुसैन साहब के घर से 700 ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए हैं। वैसे तो इमरान की सेहत देखकर लगता है कि 2-3 ऑक्सीजन सिलेंडर तो उन्होंने अपने शरीर में ही जमा कर रखे हैं, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ विषय ये है कि दिल्ली के हर अस्पताल से ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, केजरीवाल जी मोदी जी के सामने ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और उन्हीं के मंत्री बगल में ऑक्सीजन दबाकर बैठे थे। अब वो ये सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे थे या अपने विधानसभा क्षेत्र बल्ली मारान में रोजेदारों को रमजान का उपहार समझ कर दे रहे थे, ये तो सर जी ही बता सकते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात जो आपको किसी न्यूज चैनल से पता नहीं चलेगी, मुझे भी गूगल देवता से ही पता चली। मैं इमरान हुसैन का इतिहास खंगाल रहा था, तभी मुझे 20 अप्रैल का एक समाचार देखने को मिला जहां इमरान कह रहे थे कि दिल्ली सरकार व्यापारियों को कालाबाजारी नहीं करने देगी। जो खुद कालाबाजारी कर रहा है वो कह रहा था कि हम कालाबाजारी नहीं होने देंगे। आज इमरान हुसैन के पकड़े जाने के बाद केजरीवाल सरकार कह रही है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी। तो मतलब क्या समझें, पूरी सरकार ही जमाखोरी कर रही है? फिर तो किसी ने ठीक ही कहा है, केजरीवाल समेत दिल्ली के सभी मंत्रियों के घरों पर छापे मारे जाने चाहिए, क्या पता दिल्ली की ऑक्सीजन की समस्या ही खत्म हो जाए। अब दूसरे साहब से मिलिए। दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट में दिल्ली पुलिस छापा मारती है और मिलते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कंसंट्रेटर वो होता है जिससे बार बार ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। रेस्टोरेंट चलाते हैं नवनीत कालरा। गूगल करेंगे तो बड़े बड़े क्रिकेटर, एक्टर और नेताओं के साथ इनके फोटो मिलेंगे। वैसे ये बड़े ही धार्मिक आदमी हैं, सुना है लंगर भी चलाते हैं। और ये पाए जाते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में स्टेज पर। अब सोचिए, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में स्टेज पर तो कोई करीबी व्यक्ति ही जा सकता है ना। उस दिन सरजी ने 50 ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया था जिन्होंने दिल्ली को बदल दिया, उनमें से एक कालरा जी भी थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा था कि दिल्ली में व्यापार करना अब आसान हो गया है। सही बात है, 70,000 में कंसंट्रेटर बेचे जा रहे थे और वो भी बिना किसी डर के, आसान तो था ही। खैर, अब हम उस रिपोर्ट पर आते हैं जो कहती है कि दिल्ली सरकार की 5 गलतियों की वजह से लोगों की जान गई है। पहली गलती कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन टैंकर की व्यवस्था अप्रैल से करनी शुरू की, जबकि बाकी सारे राज्य पहले ही इस पर काम कर चुके थे। हाँ, तब तो केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की बैठक में अंगड़ाइयाँ ले रहे थे और आप ये कहकर तालियां पीट रहे थे कि मोदी जी कितना बोर करते हैं, अब पीट लो ताली। दूसरी गलती, पिछले हफ्ते तक दिल्ली सरकार ने ये प्लान ही नहीं बनाया था कि जो ऑक्सीजन केंद्र से आ रही है उसको अस्पतालों में कैसे वितरित किया जाएगा। 22 अप्रैल को एक प्लान बनाया जो चला नहीं। फिर 29 अप्रैल को जब दिल्ली में लाशों के ढेर लग चुके थे,
तब जाकर एक प्लान बनाया गया तो समस्या कुछ काबू में आई। तीसरा, दिल्ली में कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं है जहां जनता को चिकित्सा संबंधी जानकारी मिल सके, जैसे बाकी राज्यों में मिलती है। चौथा, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के पैसे मिले लेकिन एक बनवाया वो भी अभी तक चालू नहीं हुआ। और पांचवा, और ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के प्रोफेसर अमित सिंह कह रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स छाप रहा है कि कोविड की सभी तैयारियों में, यहां तक कि केंद्र से मदद मांगने और ऑक्सीजन टैंकर किराए पर लेने में भी केजरीवाल सरकार ने बहुत देर कर दी। वैसे इस लेख के बाद केजरीवाल सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। उन्होंने एक ग्रुप बनाया है मीडिया का, जिसमें वो दिल्ली सरकार के कामों की जानकारी देते हैं। उस ग्रुप से हिंदुस्तान टाइम्स के 7 पत्रकारों को निकाल दिया है। बाकी असली पोल खुली सुप्रीम कोर्ट जाकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 23 करोड़ की जनता वाले यूपी को जितनी ऑक्सीजन मिल रही है उससे ज्यादा ऑक्सीजन में भी केजरीवाल रो रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। तो देखें तो सही, दिक्कत है क्या? उन्होंने कहा जांच करवा लो कि ऑक्सीजन कैसे प्रयोग हो रही है। तो केजरीवाल ने कहा नहीं, जांच की कोई जरूरत नहीं है, अब ऑक्सीजन मिल भी रही है, अब हमें वैक्सीन दे दो। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट की भी हिल चुकी थी, बोले नहीं, अभी तो जो ऑक्सीजन ही देते हैं, जांच चल रही है, जल्दी ही खुशखबरी भी आएगी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है, मुफ्त बिजली पानी के नाम पर जनता को लूटने वालों के नाम। देश की जनता गरीब जरूर है लेकिन भिखारी नहीं है, उसे कोई खैरात नहीं, बस अपना अधिकार चाहिए। बाकी वो हर सुविधा के लिए कीमत चुकाने का बड़ा दिल रखती है, जैसे ये माता जी। अगर आप भी ऑक्सीजन जमाखोरों को फांसी पर देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।